क्या नाम हुआ आपको बताइए तो? मेरा नाम डॉक्टर जयदेव कुमार महतो है। क्या लग रहा है इस जीत को किस हिसाब से देख? देखिए ये जनता का जनादेश है, बट अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो आज जयराम महतो नहीं हारा है, आज जयराम महतो नहीं हारा, आज झारखंड एक जनता गिला हारी गला। झारखंड बनल आज 23 बच्चर भई गलो, झारखंडी कोनो पहचान न खलो, महाराष्ट्र एक पहचान है, हर राज्य के अलग अलग पहचान होलो, तो अपन पहचान तक जने बात कर लो, लेकिन आज ओकरो पहचान टा मिटाई दिए कोशिश कर लो, लेकिन इटा हार तो जयराम महतो नहीं हार लो, झारखंड एक जनता हारी गला। पिछला 23 साल से झारखंड एक जनता। एक मिनट, यही जेबी केसेस के लोग है ना जी, जो बोलता है कि गिरिडीह में जयराम को वोट देना है, धनबाद में ढुलू को देना है, कौन लोग थे ये लोग, क्यों नहीं जयराम दा काउंटर किए? नहीं देखिए, इस पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि झारखंड में शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी के कारण लोग गोल गोल घूमते रहे, इसी शिक्षा की कमी का फायदा दूसरे पॉलिटिकल पार्टी लोग निकाल रहे हैं। अगर झारखंड का हर एक युवा शिक्षित हो जाए, यहाँ की लिटरेसी रेट कितना है, बहुत ही कम है यहाँ का लिटरेसी रेट, अगर यहाँ का लिटरेसी रेट को बढ़ा दिया जाए, युवा अगर समझने लगे, खास करके युवा वर्ग तो समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, पर झारखंड में जो पड़ाका पड़ाका देखिए जय श्री राम का, देखिए आपके माता के श्री राम तो हम भी हैं, जय श्री राम हम भी हैं, हम भी सीना खोलेंगे तो जय श्री राम ही निकलेगा। उधर देखिए ना भगवान हरि लोग, जय श्री राम ही निकलेगा। अगर सुनिए, जय श्री राम है तो, अगर जय श्री राम अगर मोदी जी के सपोर्ट में है तो यूपी में आज बीजेपी का कम सीट क्यों आया है? राम मंदिर कहाँ है बताइए? राम मंदिर अयोध्या में है, अयोध्या कहाँ है? यूपी झारखंड में आया ना जी। नहीं नहीं, यूपी अगर राम मंदिर, अगर राम मंदिर का मुद्दा अगर बोल रहे हैं आप, जय श्री राम की अगर बात बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सीट आज एनडीए का यूपी में होना चाहिए था, लेकिन आज यूपीए जो है, एनडीए की सरकार जो है यूपीए में सबसे कम सीट लाई है। क्यों? राम भगवान भी देख रहे हैं कि जब जब असुरों का मतलब असुर पढ़ेंगे तब तक विनाश करने के लिए राम भगवान आएंगे, तो राम भगवान आए हैं। एनडीए देखिए इस बार पूरे इंडिया में तीसरी बार प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनने जा रहे हैं। देखिए बड़ी फटर फटर बोल रहे हैं। नहीं, मोदी बनने के लिए जा रहे हैं, आप एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, और एनडीए में कितने पार्टी है आप बताइए, एनडीए में कितनी पार्टी है? कई पार्टी, कितना पार्टी है? 37, टोटल 37 पार्टी है, तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, ये एनडीए की सरकार बन रही है। ये देखिए ना, पहले तमाशा देखिए, ये जनादेश है, ये कैमरामैन जरा दिखाइए, खुशी की लहर को दिखाइए भाई, जनादेश है वो तो होगा ही, लेकिन आज ये जयराम महतो नहीं आ रहा है, आज झारखंड की जनता हार गई है, पूरा धुआं धुआं हो गया है, जयराम महतो नहीं आ रहा है। नहीं, झारखंड की जनता हारी है, रियलाइज करेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, झारखंड की जनता हारी है, जयराम महतो आज नहीं आ रहा है। ये भैया कौन है, इधर आइए, क्या नाम है आपको बताइए तो? ठीक है, रुक जाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या नाम है बाबू? जनार्दन सिंह चौधरी। अच्छा, किधर से आप हैं, इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं? तो दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ हम जान रहे हैं, दोनों तरफ ही रहिएगा। देखिए, हम ये जो पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना, हम यहाँ पे लोकतंत्र की बात करने के लिए आए हैं। अच्छा, करिए, डेमोक्रेसी की बात करने के लिए आप सुन रहे हैं आपकी बात? हाँ, बात तो कर ही रहे हैं ना, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं भाई लोग, जितना लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज शेयर नो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। भैया बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, झारखंड को कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, बताइए, चार चार लाख मतों से जो है कि यहाँ सांसद बन रहे हैं और बोल रहे हैं पढ़े लिखे लोग नहीं, नहीं इसी के शिक्षा की कमी है, मैं अभी भी बोलूंगा झारखंड में शिक्षा की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। जिस दिन झारखंड में पूरे लोग 100% लिटरेसी रेट आ जाएगा, उस दिन ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, लोग समझने लगेंगे हमको किसको वोट देना है, किसको वोट। यूपी में कितना लिटरेसी रेट है ये बताइए? नहीं, हमको तो परसेंटेज पता नहीं है यूपी में क्या लिटरेसी रेट है, लेकिन बार बार आप अपने चैनल के माध्यम से श्रीराम कर रहे हैं, तो मैं यही बताना चाहूंगा, अगर श्रीराम भगवान अगर बीजेपी के साथ दे रहे हैं, श्रीराम की देखिए, श्रीराम वाले जीत गए, मैं क्यों नहीं कहूं? श्रीराम के गढ़ में बीजेपी क्यों हार रही है, कम सीट क्यों आया है इस बार बताइए? अगर श्रीराम ही एक मुद्दा है तो यूपी में जहां पे श्रीराम भगवान का गढ़ है, यूपी में अयोध्या है, वहां से इस बार बीजेपी को सीट कम क्यों आई है बताइए? फिर तो वहाँ छप्पड़ फाड़ आना चाहिए था, सीट 100% में 100% होना चाहिए था, फिर वहाँ पे इलेक्शन कर ये के वहाँ के लोग समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्यों नहीं समझ रहे हैं? शिक्षा की कमी इसलिए नहीं समझ रहे हैं, शिक्षित बनो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, हर एक बच्चा खाना पीना छोड़ दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, जिस दिन बच्चा को शिक्षित पढ़ोगे, आज देखिए आप गवर्नमेंट की बात बोल रहे हैं, पिछले 10 सालों में इस गवर्नमेंट ने शिक्षा पे कितना खर्चा किया है? मात्र 5%, और सबसे ज्यादा दुख की बात है, सबसे बेसी दुखक बात ऐडा लगो कि शिक्षा में GST लगा दे लो, आज तो हीरा किने जाए, गरीब लोग हीरा किने पर नहीं पर गरीब किने लोग हीरा किने। सुनिए एक मिनट, देखिए बात सुनिए पहले आप,
हीरा में कितना परसेंट? कौनो नहीं है, सुनिए आप लोग, 3% टैक्स है, 3% झूठ मूठ का आप लोग है। सुनिए भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग, महंगाई है आप लोग को लगता है? नहीं लगता है ना? क्या बात कर रहे हो यार, 4 लाख वोट से यहाँ सांसद जीत रहा है, महंगाई दिख रहा है जी? महंगाई के क्या लेना देना है? ये गलत बात है, ये गलत बात है। ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना शिक्षा की कमी है, तभी लोग इतना मत से। अगर बेरोजगारी नहीं है इंडिया में, अगर बेरोजगारी नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कहा करके हर साल 2.5 करोड़ युवाओं को हम जो नौकरी देंगे? अगर इंडिया में बेरोजगारी नहीं है तो इन्होंने क्यों कहा था? जुमला है तो फिर जुमले की वजह से आप ये आतिशबाजी देख रहे हैं। लोगों का ये हिप्नोटिज्म है, एक मोदी मैजिक जो था वो खत्म हो गया धीरे धीरे। मोदी जी जो जिस तरह लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा में टैक्स लगाने का मतलब यही है कि इंडिया के लोग पढ़े नहीं, और इंडिया के लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उनकी पॉलिसी को समझ नहीं पाएंगे। आप लोग वही अंधभक्त करके जय श्री राम के नाम पे ये बात बोले। हाँ बताइए, समाज में पढ़े लिखे लोग किसी न किसी पार्टी की दलाली कर रहे हैं, उसकी दिमाग में कब समझ में आएगी? देखिए ये झारखंड में कई गरीब हैं, कई विस्थापित के मुद्दा है, स्थानीय नीति है, इसको लेकर वो लोग तो नहीं काम कर रहे, क्योंकि एक आदमी पढ़ा लिखा है इसलिए वो दलाली कर रहा है। जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो क्या दलाली कीजिएगा आप लोग? कभी कीजिएगा? मस्त बात, दलाली नहीं कीजिएगा। इसीलिए सब आदमी को शिक्षित होना जरूरी है, सब आदमी को एक एक आदमी को। मैं बात बता रहे हैं भैया, लेकिन बच्चा पढ़ाइए। ऐसे लोग जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं और समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। घर में बच्चों को पढ़ाइए, स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी बम्पर जीत हो रही है, जिसको मैं शब्दों में नहीं तोल सकता हूँ। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या होने वाला था। जब तक पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली फॉर दिस झारखंड बट ऑल्सो फॉर द इंटायर कंट्री, प्लीज एडुकेट योर चिल्ड्रन। धन्यवाद, बहुत बहुत झारखंडी जोहार, जय हिंद, भारत माता के जय झारखंड, जय झारखंड। धन्यवाद। एक बार सीपी चौधरी के लिए बोल दीजिए जय श्री राम। ये तो श्री राम तो हमारे दिल में है ना जी, बोलिए, राम हमारे दिल में है, श्री राम हमारे दिल में, और हमें जय सिया राम, जय सिया राम। ये भाई देखिए पलटी मार दी है। नहीं, पलटी मारने का क्या बात है इसमें, आप बताइए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। सुनिए श्री राम, क्या पलटी मार रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छा। जरूरी है कि अगर जिसे जय श्री राम बोलना तो बीजेपी का जरूरी है भैया, जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम फिर अगर जय श्री राम बोलना, अगर बीजेपी का सपोर्ट रहते, शहनवाज हुसैन मुस्लिम है, क्या वो जय श्री राम बोलेंगे? फिर उसको बीजेपी से निकाल दीजिए। क्यों नहीं निकाला जा रहा है? निकाल दीजिए, निकालिए फिर उसको, क्यों नहीं? अभी देखिए वो प्रवक्ता है, अभी देखिए सबसे पहले बीजेपी की तरफ से वही बोल रहे हैं, उनको बोले जय श्री राम बोलने, अगर नहीं बोलेगा क्या बीजेपी उनको निकालेगा? अरे भाई इधर खेला लागो खेला, वही हिंदू हिंदू करो, वही मुस्लिम मुस्लिम करो, हमारा हिंदे लोड़ा, हमारे हिंदे लोड़ा, और उनका भीतर जाके के संगे चा पियो, तुम बुझा एक दरकार हो। अभी पानी गर्म हुआ है, 2-4 दिन के बाद खोलते हुए देखिएगा भैया, ये मैं बता दे रहा हूँ। मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो निष्पक्ष न्यूज को दिखाएं, ऐसा ना हो कि 500 टका लेके ओकरे जिंदाबाद कर दो। अभी इंडिया में अरे दादा सुनिए ना, नहीं सुनिए, एक मिनट, आप सच्चे हिंदू हैं, आपका दिल गवाही दे दिया। हम सच्चे भारतीय हैं, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सच्चा भारतीय है हम। मेरा जो जाति है ना वो इंडियन है, वो भारतीय है, हमको हिंदू मुस्लिम के कैटेगरी में मत रखिए, हम भारतीय है, और जब भी लोगों का शोषण होगा तब तक हम लोग आवाज उठते रहे। ये शिक्षा का पावर है भैया, मैं किसी भी तरह इनको फंसाने का प्रयास किया, लेकिन ये लड़का शिक्षा के दम पे इस तरह का जवाब दिया जो वाकई में तारीफ काबिल है, और इस तरह का ही हर लोग जब मुखर बनेंगे तभी झारखंड का कल्याण होगा, नहीं तो आपको कहीं जाति धर्म तो कहीं किस्में कहीं धर्म के नाम पे आपको मोटिवेट करेगा, आपका वोट लेगा, कहीं दारू पिला देगा, कहीं मुर्गा खिला देगा, ये तमाम चीजें होगा, और आपका जो सबसे बड़ा अधिकार है मत वोट देने का, उस अधिकार पर भी इन लोगों की नजर है, तो संभल कर रहिएगा, आने वाले समय में और कई चुनाव होंगे, देखना है। चलिए धन्यवाद।